भयान के अंतिम तरफ यह पद है। गुरुजी हमका डगर बताए दिया। डगर रास्ता। सद्गुरु ने हमें कल्याण का मार्ग बता दिया। सद्गुरु कबीर का पद है, गुरु बिन कौन बतावे बाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट। गुरु न मिले होते तो अपने पराये की कुछ समझ न होती, हानि लाभ की कुछ सूझ न होती। रास्ते में तो चलते आ रहे हैं, कोई भी मनुष्य हो उसके चलने में और परिश्रम करने में कमी नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है आदमी को कि जहाँ जाना चाहिए था, पहुँचना चाहिए था, वहाँ पहुँच नहीं पाए। न मेहनत में कमी है, न चलने में कमी है, दिशा गलत है। मार्ग दो है, कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा है, नचिकेता दो मार्ग है, एक प्रेय मार्ग और एक श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग वह मार्ग है जिसमें प्रारंभ में तो बड़ा आनंद जैसा लगता है, किंतु जो दुख के सागर में आदमी को डुबा देता है वहाँ पहुँचा करके। श्रेय मार्ग जो प्रारंभ में कठिन लगता है, अनसुभाता लगता है, उबड़ खाबड़ जैसा लगता है, किंतु आगे चल करके वो सुखद हो जाता है। और वही रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है। प्रेय मार्ग इंद्रिय भोगों का मार्ग, राग रंग का मार्ग, शुरुआत में बड़ा आनंद लाई लगता है, लेकिन चारों तरफ से अंत में जीव दुखों से, परेशानी से, चिंता भय से घिर जाता है। श्रेय मार्ग भक्ति सेवा ज्ञान त्याग साधना का मार्ग, अनसुहाता। कठिन किंतु आगे चल करके वही रास्ता सुखद लगता है। सुखद लगता क्या, सुखद है ही वो। परिचित न होने के कारण अनसुहाता जैसा लगता है वह मार्ग। अनादिकाल से यह जीव संसार के रास्ते पर, राग रंग के रास्ते पर चलता आया है, यह परिचित रास्ता है, इसलिए इस रास्ते में चलने में सुगमता महसूस होती है, सरलता। सेवा त्याग साधना का मार्ग, इस पर जीव चला नहीं है, इसलिए यह कठिन जान पड़ता है, लेकिन यह कठिन जान पड़ने वाला अपरिचित मार्ग यही सुखद है।
और इसी मार्ग पर चल करके जीव अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब बताने वाले कौन? कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं संत और गुरुजन। प्रेम मार्ग संसार के बताने मार्ग बताने वाले तो सारा संसार है। जहां जाओ बचपन से ही छोटा बच्चा है, बचपन से ही राग रंग मोह माया की सीख परिवार से जो मिलता है उसे शुरू हो जाते हैं मिलना। एक तो संस्कार उसी के हैं, सीख उसी की, बाहर का वातावरण उसी का, इसलिए लगता है कि सुखद मार्ग यही है। लेकिन इस मार्ग पर चल करके किसी ये अनुभव हुआ कि जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था कर लिया, मेरे मन में पूरी तृप्ति हो गई, सब अतृप्ति में जाते हैं। गुरुजी हमका डगर बताए दिया, सदगुरु ने हमें कल्याण का मार्ग बता दिया। कल्याण मरने के बाद नहीं है, यदि मरने के बाद कल्याण मिलता है तो क्या पता, कौन जानता है। जो मर कर गया वो तो बताया नहीं कि हमारा कल्याण हो गया, और हमें पता नहीं है कि हम जीवित हैं, हम उस दशा में गुजरे नहीं हैं। तो मरने के बाद कल्याण मिलेगा, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, धोखा है। जीते जी कल्याण, और है क्या, मन में पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण शांत, निर्भयता, निश्चिंतता, हमेशा शांत सुख आनंद प्रसन्नता से मन भरा हुआ है, कहीं अभाव की अनुभूति नहीं होती, ये जीते जी कल्याण का अनुभव। और कोई भी कर सकता है इसको। भव बंधन की काट देन को युक्ति अमित दर्शाए दिया गुरु ने। भव बंधन को काटने के लिए अनेक युक्तियां बता दी। भव का बंधन, और बंधन क्या है, मान्यता, कुछ मान्यता की आवश्यकता होती है, बिना मान्यता के जीवन चल नहीं सकता है। अपना घर मानना पड़ेगा, अपना परिवार, अपनी पत्नी बाल बच्चे माता पिता मानना पड़ेगा, अपना खेत खलिहान मानना पड़ेगा, अपनी दुकान, अपना अपनी नौकरी अपने मानना पड़ेगा, साधुओं को भी मानना पड़ता है, हमारा मठ है, हमारे गुरु हैं, गुरु भाई हैं, ये हमारा कमंडल है, ये हमारा कपड़ा है, हमारा बिस्तर है, मान्यता ही तो है। लेकिन बिना माने व्यवहार नहीं चलेगा, तो मान्यता होनी चाहिए केवल व्यवहार के लिए। जैसे आपको बताया गया शुरू दिन कि आपको इस जगह बैठना है, और कोई दूसरा बैठ गया तब कहते कहाँ है भाई, ये तो मेरी सीट है, ये तो मेरी जगह है, आप कैसे बैठ गए। एक मान्यता बनी किसके लिए, बैठने के लिए, एक सप्ताह के लिए, और आपकी जगह है तो बैठे रहना चार छह दिन, इसके पश्चात ही शिविर खत्म होने के पश्चात फिर तो बैठने रहोगे कैसा, हर सब तो घर जा रहे हैं शाम को, छोड़ करके क्यों जा रहे हैं फिर। एक उसके बिना काम नहीं चलता, व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन उसको दृढ़ता पूर्वक मान लेना, एकदम मन को उसमें जोड़ लेना, यही दुख बंधन का कारण बनता है। मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा, जो सुवना ललनी गई हो कीट कुसारी मान, वैसी गति अजीव की भई दिवस ते सांझ। श्री पुराण साहब जी कहते हैं
कि जीव मान मान करके बंधन में आता है। तो मानना पड़ता है, कुछ ये मानना कुछ समय के लिए होता है, फिर कौन किसका है। अनेक बार कहा गया, जिस घर को हम अपना मानते हैं, क्या इस जन्म के पहले भी वो आपका घर था, क्या मृत्यु के पश्चात वो आपका हमारा घर रहेगा। बीच क्या है, बस थोड़े समय के लिए, न जन्म के पहले था न मौत के बाद हमारा घर होगा, बीच में आ गए हैं, बस पड़ाव समझ लो, चल देना है, व्यवस्था जो करना है कर लो, मोह नहीं जोड़ना है। तो मान्यता ही बंधन है। इस मान्यता को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए गुरु ने अनेक युक्तियां बता दी। युक्ति क्या है, सेवा करो, प्रेम करो, जो कर्तव्य हो कर्तव्य करो, जोड़ो मत अपने आप को, लिपायमान मत हो, विवेक पूर्वक काम कर लेना है। औषध के समान, औषध खाते हैं मान्यता नहीं बनती है उसमें, बस मजबूरी में खाते हैं। ऐसे सेवा करना, प्रेम करना, कर्तव्य का पालन करना, व्यवस्था करना, जहाँ जैसा है डूब करके करते रहो, लेकिन ये सोचते रहना होगा कि आजकल में छोड़ करके जाना है। सोचो तो जाना है, न सोचो तो जाना है। इस युक्ति से करें तो बंधन कहीं नहीं बनेगा। जहां जहां बंधन सन्मुख आवे तिनसे हमें छोड़ाए दिया। जीवन यात्रा में अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं, और प्रलोभन में जरा सा भी भूले बस भटक जाना होता है, फंस जाना होता है। तो जहां जहां बंधन में फंसने का अवसर आया, गुरु ने सावधान कर दिया कि देखो ये लोभ में पड़ना मत, कोई तुम्हें लोभ दिखा करके फंसाना चाहेगा, भुलाना चाहेगा, ठगना चाहेगा, ठगाना मत कहीं पर भी। जो आदमी लोभ छोड़ देगा, सुख का लोभ, लाभ का लोभ, वो कहीं नहीं फंसेगा। जहां जहां लोभ आएगा और थोड़े में बहुत लाभ, अनेक कंपनियां आई, चिट फंड कंपनियां और कितने कौन कंपनियां, बहुत लोग अपना पैसा लगा रहे, दो साल में हम दुगुना कर देंगे, जल्दी लोभ आ गया, समझ नहीं पाए कि दो साल में दुगुना कैसे हो पाएगा। दुगुना हुआ, आपका दुख दुगुना करके गया वो लोग, उन्होंने दुगुना करने कहा था, ये नहीं बता था कि दुगुना क्या करेंगे, दुख दुगुना करके गए, लोभ में थे ना इसलिए। तो जहां भी लोभ में पड़ेंगे ना, वहां उलझेंगे, धोखा खाएंगे। तो ये लोभ ही बंधन का कारण बनता है। तो जहां जहां बंधन सरमुख आने की संभावना थी, गुरु ने सावधान करवा दिया कि देखो लोभ में पड़ना मत। सब पुरुषन के भेद बतायो, मारग अमित भरमाए दिया। सब पुरुष, यहां पुरुष से मतलब है जिन्हें बड़े बड़े कहा जाता है, जिन्हें महापुरुष कहा जाता है। बहुत से महापुरुष हुए हैं दुनिया में, सबके विचार अलग अलग, मान्यता अलग अलग, सिद्धांत अलग अलग। अब क्या माने क्या ना माने, किसको छोड़े किसको पकड़े, आदमी भ्रम में पड़ जाता है। आज भी देख लो कितने मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं हमारा सही, हमारा सही, हमारा सही।
आदमी चक्कर में पड़ जाता है कि क्या माने और क्या ना माने। लेकिन विवेकी जो गुरु होते हैं वो बता देते हैं कि क्या सही क्या नहीं है। और ये बात केवल आज की नहीं है, सब समय ये बात रही है। महाभारत में बात आती है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषि मत प्रमाणम धर्म सतत्व निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सपन्था। तर्क की कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं, कहीं स्थिरता नहीं है। श्रुतियां शास्त्र अनेक हैं और अनेक प्रकार की बातें लिखी है। नैको ऋषि मत प्रमाणम, ऋषि एक नहीं है, अनेक ऋषि हैं। किसके मत को प्रमाण, एक ऋषि होते तो उसके मत को प्रमाण मानते, लेकिन ऋषि अनेक हैं, तब करें क्या। धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है गुफा में छिपा हुआ है, निकालें कैसे उसको। महाजनो येन गता सपन्था, जो महाजन है जिस रास्ते से वे चले उस रास्ते में चलेंगे। तो महाजन कौन, राम महाजन है, कृष्ण महाजन है, बुद्ध महाजन है, महावीर महाजन है, ईसा मसीह महाजन है, मोहम्मद हजरत मोहम्मद महाजन है, दयानंद विवेकानंद कबीर तुलसी, सब तो महाजन हैं। महाजन मतलब श्रेष्ठ महापुरुष, महाजन का अर्थ है विवेकी, विवेकवान, जो निष्पक्ष होकर के चलते हैं, जो तर्क की कसौटी पर कसकर बताते हैं देखो कि ये बात सही है, उसको स्वीकार करना होगा। अपना और पराया कुछ नहीं है, जो सत्य है वो अपना है और जो असत्य है वो अपना कभी नहीं हो सकता है। और असत्य में आकर्षण ज्यादा है, असत्य के प्रति, असत्य में दिखावा ज्यादा है, सत्य तो नंगा होता है। सत्य में कोई बनावट नहीं होती, बनावट असत्य में होती। तो सब पुरुषों का भेद बताया, मतलब जितने भी महापुरुष हुए हैं अनेक, उनके सिद्धांतों को गुरु ने लखा दिया और कहा कि जो सत्य जो विवेकपूर्ण है वो कहीं का भी हो वो हमारा है, और जो अविवेकपूर्ण है, विचार पूर्वक नहीं है, वो हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए केवल विवेक को दे पर जोर देना है, सत्य पर जोर देना है। कल्याण सत्य से होगा, मान्यता से नहीं होगा, मतपन से कल्याण नहीं होगा, सत्य निर्णय न्याय के ग्रहण करने से कल्याण होगा। और विवेकी पुरुष, विवेकी गुरु वही बताता है। इस विवेक का जो मार्ग है इसे सदगुरु कबीर ने पारख कहा है। तो पारख एक सिद्धांत हमारा भी है कबीर पंथ में, लेकिन पारख किसी की बपौती नहीं है। पारख तो जीव का स्वरूप है। अब पारख ना कहो, विवेक कह लो। विवेक और पारख अलग अलग नहीं है। पारख का मतलब होता है परीक्षा करना, विवेक का मतलब ही होता है अलग अलग एक कर लेना, समझ लेना। और इस विवेक या पारख को 2000 साल से पहले कौटिल्य अर्थशास्त्रम में अन्वीक्षिकी विद्या कहा है। कौटिल्य चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, राजनीति का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मतलब तो इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन वहां इकोनॉमिक्स से मतलब नहीं है, वो राजनीति का शास्त्र है। उसके शुरुआत में चार विद्याएं बताई गई है,
अन्वेषिकी, त्रय वार्ता और दंड। तो अन्वेषिकी मतलब है डिप्ली गहराई से इंट्रोस्पेक्शन, खोज करना किसी भी बात पर गहराई से, समझना पोस्टमार्टम कर लेना एक प्रकार से। जब किसी की दुर्घटना में मौत होती है तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं कि मौत का कारण क्या है, ऐसे हर बात को पोस्टमार्टम करो और अंत में जो रिजल्ट आए वो स्वीकार कर लो, वही पारक है, वही अन्वेषिकी विद्या है और वही ग्रहण करने लायक है। सब अवलन के जाल लखायो, इंद्रिन बांध सताए दिया, तन मन से, मन से, वचन बिला से, सपरत जह चढ़ा दिया। सब अवलन, अबला स्त्री को कहा जाता है, लिखने वाला पुरुष है इसलिए अबला की तरफ बात कहते हैं। सभी अबलाओं के जाल को परखा दिया। ये अबला कौन है? वासना, चाहे स्त्री के मन में हो चाहे पुरुष के मन में हो, न स्त्री बंधन है न पुरुष बंधन है। कहा जाता है स्त्रियां बंधन है, माया है, तो स्त्रियों के लिए बंधन और माया कौन है? स्त्री स्त्री के मोह में तो फंसती नहीं है, पुरुष का आकर्षण स्त्री के लिए है, तो स्त्री क्यों का आकर्षण पुरुष के लिए है, तो न स्त्री माया न पुरुष माया, माया है मन का मोह, मन की जो वासना है ये माया है, और इस वासना का त्याग कर दिया तो न स्त्री माया है न पुरुष माया है, दोनों का अपने अपने एक मर्यादा है, उस मर्यादा से चले फिर। तो सब अवलन से तात्पर्य है किसी भी प्रकार की जो वासना है, ये वासना का जाल भयंकर है। कहां वासना किस रूप में उलझा दे इस मनुष्य को पता नहीं चलता है। घर गृहस्थी पत्नी बाल बच्चे का त्याग कर दिए, अब यहां आकर के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी प्रतिष्ठा हो, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या चल रहे हैं, हमारी गद्दी ऊंची लगे, हमारे ज्यादा मान पूजा हो, हमारी ज्यादा प्रतिष्ठा हो, ये भी तो वासना है और उससे भयंकर वासना है। संसार की जो वासना है जिसे काम वासना कहा जाता है, उससे ज्यादा भयंकर वासना सम्मान की वासना है, गद्दी की वासना है, वो तो छोड़ दिया जाता है, यहां कहां छूटता है। साधुओं के लिए तो भयंकर बंधन यही है। तो गुरु ने सारी वासनाओं के जाल को लखा दिया कि वासना किस किस रूप में अपना जाल फैलाती है और जीव को फंसाती है, और तन मन वचन से आसक्ति का जहर कैसे चढ़ा देती है। जहां कुछ माने इसमें बड़ा आनंद आएगा, आसक्ति का जहर चढ़ता है। फिर आसक्ति का मतलब क्या है? जो अच्छा लगे, जिसमें प्रीता का आभास हो, बार 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 उसी का चिंतन करते रहना। गुरुदेव जी ने लिखा है शाश्वत जीवन में, एक प्रसंग में है, उसमें है, देख लेना, बहुत पुरानी बात है। ऐसे बरसात का मौसम था, आम पके थे, एक आश्रम था वहां संत रहते थे, जहां रुके थे वहां पर आम पके थे, खूब पके पके आम गिरते थे, महात्मा लोग खूब खाते थे, और कटहल उसमें पका था, कटहल का पका हुआ जो होता है बीज वो भी बहुत मीठा होता है। तो एक साधक ने खूब छक करके आम भी खाया और खूब छक के कटहल खाया, पका हुआ कटहल, उसके पश्चात बीमार पड़ गए। दवाई होती रही, सेवा होती रही, सब कुछ, अब सब ठीक है ना, कई दिन बीत गए, तो हाँ ठीक तो है, लेकिन बार बार कटहल की तरफ मन दौड़ रहा है,
एक दिन खाए कटहल बीमार पड़ गए, लेकिन अभी भी कहते हैं हटाते हटाते भी कटहल हट नहीं रहा है मन से, यही आसक्ति है जो दिमाग में चढ़ जाए, जिसके चिंतन बराबर होता रहे, आसक्ति वही है। और जहां वासना में सुख माने, चाहे वो काम वासना हो, चाहे भोग वासना हो, चाहे धन वासना हो, चाहे गुरुवाई की वासना हो, चाहे सम्मान की वासना हो, निरंतर दिमाग में वही चढ़ता रहता है, चढ़ा रहता है, घूम घूम करके दिमाग, घूम घूम करके दिमाग में ही चला जाता है। फिर आसक्ति का जहर आदमी को चैन से बैठने नहीं देता है। तो गुरु ने ज्ञान को उपदेश दे करके और आसक्ति के जहर को मन से निकाल दिया, ऐसी युक्ति बताई, ऐसे उपदेश दिया, तो उसके उन उपदेश को स्मरण करते से, बार बार मनन करते से, रास्ते में चलते रहने से आसक्ति का जहर मन से उतर गया। बंदी छोर कहा दिया, गुरु का नाम जैसे बंदी छोर है, वैसे उन्होंने अपने नाम का सार्थक कर दिया। बंदी छोर बंधन को छुड़ाने वाले, तो गुरु ने उपदेश दे दिया, आसक्ति का जहर हटा दिया, हमारा बंधन कट गया, बंदी छोर नाम सार्थक हो गया गुरुदेव का। नहीं भूले उपकार कबो अब निज में ज्ञान उगाए दिया। साधक कहता है कि गुरुदेव आपका उपकार अब कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मुझे अपने आप का ज्ञान करा दिया, अपने में बता दिया कि जिसे तुम पाना चाहते हो वह तुम ही हो, अलग और कोई नहीं है। ज्ञान का प्रकाश हुआ, सारी चीजें यथावत दिखाई पड़ने लगी, अब भटकना बंद हो गया। अंधकार में जब हम रास्ता चलते हैं तो ठोकर लगती है, कीचड़ पानी आदि में पैर पड़ जाते हैं और भटकाव शुरू हो जाता है। लेकिन प्रकाश में कहां पर क्या चीज रखी हुई है साफ दिखाई पड़ता है। और भटकना बंद हो जाता है। तो गुरु ने निज का ज्ञान दिया, स्वरूप का ज्ञान करा दिया, और स्वरूप ज्ञान के प्रकाश में भ्रांतियों का जो अंधकार था सब खत्म। अब स्पष्ट रूप से समझने में आ गया कि क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, सारी बातें साफ साफ समझ में आ गई। कर्मेंद्र वो खुला है ताला, जाओ ताला खोल दो। जगत मनुष्य की बातें सुन सुने तिनके पेंच लखाए दिया। जगत मनुष्य की बातें सुनी सुनी तिनके पेंच लगा है लिखाए दिया। संसार के मनुष्यों की अनेक प्रकार की बातें हैं, छल कपट की बात, धोखाधड़ी की बात, राग रंग की बात, मोह माया की बात, बचपन से सुनते सुनते वही बात गहराई से मन में धंस गई है और आज भी देखो जहां जाओ वहीं प्रपंच की बात सुनने को मिलेगी, छलकपट की बात सुनने की मिलेगी, कैसे लोगों को धोखा देना है, कैसे धन बढ़ाना है, कैसे ये करना है करना, वही सुनने को। लेकिन गुरु ने क्या किया, उनका जो संसार बातें सुन सुन करके मन दिग्भ्रमित हो रहा था, उसके संस्कार मन में पड़ गए थे, सदगुरु ने सद्बोध दे करके जो छलकपट की बातें थी
वो सबको हटा दिया और साधना का दांव पेंच बता दिया कि कैसे साधना का काम करना है, किस युक्ति से ये प्रपंच पूर्ण बातें हैं इनसे अपने को बचाना है और किस युक्ति से चल करके साधना का काम किया जा सकता है। बिल्कुल वो है सावधानी हर बात में। क्यों कोई भी काम करना है तो शुरुआत में क्या मिल रहा है ये मत देखो, अंतिम परिणाम क्या आएगा इसको देखो। किसी भी काम के अंतिम परिणाम को जो देख लेगा वो धोखा नहीं खाएगा। हम अंतिम परिणाम को नहीं समझ पाते हैं, शुरुआत का जो आकर्षण होता है उसको देख लेते हैं। अब उसे देख करके उसी में उलझ जाते हैं। लड्डू तो है बढ़िया, थाल में लड्डू आया हुआ है, देखने में उस लड्डू का रूप बड़ा मनोहर, लड्डू बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, सुगंध आ रही है बढ़िया, और ललचा रहा है मन कितने सुंदर लड्डू हैं, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है, इसकी मिठास भी कितनी बढ़िया होगी, ललचाता है मन, देख रहे हैं। लड्डू में जहर मिला वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऊपर का देख रहे हैं। यदि पता चल जाए कि लड्डू में जहर मिला हुआ है तो खाएंगे, अंतिम में क्या परिणाम आएगा, इसलिए सदैव अंतिम परिणाम सोचो, रिजल्ट क्या आने वाला है, उस रिजल्ट को रखकर ध्यान में रख करके जो काम करेगा कहीं नहीं भटकेगा, कभी धोखा नहीं खाएगा, उसे जीवन में दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तो संसार के जो भी लोग हैं छलकपट पूर्ण बातें कहते हैं, बड़ी मित्रता भरी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा हमारा हितैषी दूसरा कोई नहीं होगा, लेकिन उस मीठी बात के पीछे भयंकर जहर छिपा होता है। गुरु ने वो सारा दांव पेंच बता दिया और उस जाल से मुक्त होकर के साधना में कैसे चलें इसकी भी युक्ति बता दी। भूत भवानी भैरों जाली ये सब भरम मिटाए दिया, ये छल प्रपंच की ही बात नहीं है, राग रंग मोह माया स्वार्थ की बात नहीं है, अनेक प्रकार के भूत भवानी चुड़ैल जीन और अनेक प्रकार के भ्रम, कैसे कैसे मंत्र तंत्र टोना टोटका और क्या कैसे क्या, ये भी बचपन से सुनाए जाते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से, मामा मामी से, माता पिता से, चाचा चाचा से, जो भी मिले, लोगों के दिमाग में इतना भ्रम घुसा हुआ है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर भयभीत होते रहते, जरा सी तकलीफ आई साहब, लोग कहते हैं साहब हम पांच पीढ़ी से कैरपंथी हैं साहब, बहुत धन्यवाद, और जरा बच्चा बुखार हो गया ले गया बेगर पात फूकवाने के लिए, पांच पीढ़ी कैरपंथी है ना, कहाँ कभी साहब के विचार को समझ पाए हो, घुसा हुआ है दिमाग में और है केवल भ्रम, अपने में स्थिरता नहीं है, विवेक तो है ही नहीं, जो जैसा कहे वैसा करते चले गए। गुरुदेव जी कहा करते ना,
पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई अलग बात है, बहुत पहले की बात है, आजकल तो उसी टाइम खत्म हो गया है। बहुत पहले जब ये ट्रांजिस्टर आया था रेडियो, उस समय का आश्चर्य था उस समय भी, तो एक मास्टर ने एक ट्रांजिस्टर खरीदा, ठीक हो गया, कुछ दिन पश्चात उसमें से कुछ आवाज आना बंद हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो मशीन है आवाज बढ़िया बनने आ रही, तो ले गए एक बेगर पर फूंकाने के लिए। अब एक मास्टर की इतनी अकल नहीं है कि ट्रांजिस्टर में आवाज नहीं आ रही है तो कोई मशीनरी गड़बड़ी है, बेगर को फोन करके क्या करेगा। तो ये भूत भवानी भैरव जिंद चुड़ैल ग्रह लगन तंत्र मंत्र जादू टोना शकुन अपशकुन कैसे कैसे भ्रम, कैसे कैसे अंधविश्वास दिमाग में घुसा पड़ा है। और आप लोगों की कोई कमी है तो नीचे चले जाना, निकलवाने के लिए पर्चा सब पता चल जाएगा। जितना लोभ होगा और जितना भय होगा उतने ठगाओगे। लोभ होगा बाबा जी मंत्र दे देंगे हमारा बढ़ जाएगा, बाबा जी मंत्र दे देंगे हम कर देंगे, जो मिला वो छूटेगा नहीं। बस लोभ और भय जितने भी अंधविश्वास है इसके मूल में हैं लोभ और भय। जिस व्यक्ति को अपने प्रारब्ध पर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होगा वो किसी बाबा के पास जाकर के हाथ नहीं दिखलाएगा, ये मंत्र चंचक चक्कर में नहीं पड़ेगा। जिसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं और अपने आज के पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं वो कोई हो वो तो बाबाओं के चक्कर लगा, बाबा क्या ज्योतिषी तांत्रिक बैगा ओझा पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके सिर झुकाएगा, लेकिन सच्चा गुरु इन सब से छुड़ा देता है क्योंकि विवेक मिल गया। मन अवलंब जहां तक लेवे सो सब तूरी बहाए दिया। मन जहां तक अवलंब लेता है और सारे अवलंब को गुरु ने तोड़ करके बहा दिया। मन किसका अवलंब लेता है, किसका सहारा पकड़ता है, मोह का सहारा। कुछ आधार चाहिए मन को, बिना आधार के रहना नहीं चाहता है, कोई आधार चाहिए। खाली बैठना नहीं होता, कुछ तो माने अपने आप को। वो गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि आदमी कैसे बोझा लादता है, और बोझा क्या है, मोह का बोझा, संसारिकता का बोझा, रागरंग का बोझा, उसी को मानता है ये हमारा आधार है, यहां से सुख मिलेगा। तो कैसे आदमी बिना मोह के नहीं रह पाता, बिना संसार का आधार पकड़े नहीं रह पाता। एक उदाहरण से गुरुदेव दिया करते थे, पहले के जमाना जैसे आज, जब जैसे गाड़ी मोटर का जमाना वैसे जमाना नहीं था, ऐसे इतने साधन नहीं थे। तो आप जो पुराने लोगों को भी पता होगा, आज भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, पहले लोग जब सामान बेचने जाते थे तो या सिर पर एक बोझा रख लेते थे, या कुछ लोग कपड़ा आदि को ऐसे गट्ठा बांध कर, ऐसे पीठ पर ऐसे कर बांध करके लाद करके ऐसे यहाँ सामने से बांध लेते थे। आज भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो एक बनिया था, सामान बेचने जाता था तो बोझा लाद बांध करके ऐसे पीठ पर लाद करके सामने से बांध लेते थे, ऐसे घूम गांव गांव घूम घूम करके अपना सामान बेचते थे। एक बार वो बनिया जो सामान बेचने गया तो सारा सामान उसका बिक गया, कुछ बचा नहीं। लौट रहा था
तो देखा कि जगह खेत में एक खेत खोदा गया था तो मिट्टी के इतने बड़े बड़े ढेले पड़े हुए थे। बनिया ने अपना कपड़ा बिछाया, चार पांच ढेला उसमें अपने बांधा और फिर यहाँ पीठ पर लाद लिया। तो किसी ने कहा, अरे ये मिट्टी के ढेले क्यों लाद रहे हो? क्या भैया क्या करूँ, आदत पड़ी हुई थी बोझा लादने की, आज बोझा कुछ नहीं लगता है कि उड़ ना जाऊं, बोझा नहीं है तो इसलिए बोझा लाद लिया। बस आदमी समझता है यदि राग रंग का बोझा ना हो, मोह का बोझा ना हो तो हम उड़ जाएंगे, सहारा पकड़ता है। निराधार रहना नहीं चाहता, कोई ना कोई सहारा चाहिए जीवन निर्वाह के लिए। किसी के संग साथ रहना वो अलग बात है, लेकिन मोह बना करके रहना, राग रंग का बोझा लाद करके रहना, यही तो दुख का कारण बनता है। तो मन जहां जहां तक अपना आधार पकड़ता है, जिसे मानता है कि मेरे सुख का साधन है, वो बनेगा, आगे चल करके काम आएगा। समझा दिया गुरु ने कि ये तुम्हारा काम आने वाला नहीं है, ये तो बीच में मिले हैं, छूट बीच में छूट जाएंगे, उनकी वास्तविकता समझा दिया, बात समझ में आ गई। तो सारा बंधन गुरु ने तोड़ करके बहा दिया। अब तो निराधार करी अपने सकल आधार मिटा दिया, इसलिए अब गुरु ने सारे अवलंबनों को, सारे आधार को तोड़ करके बहा दिया। जहां तक मोह आधार निराधार, इस जीव क्या है, जीव निराधार है, असंग है, अकेला है। अपने असंगत्व का, अपनी असंगता का बोध ज्ञान न होने के कारण हम कोई आधार पकड़ते हैं, लेकिन सारे आधार छूट जाते हैं, रह जाना होता है अकेला। व्यवहार में संघ की आवश्यकता है, साधना मार्ग में सत्संग की आवश्यकता है, गुरुजनों की संगत की आवश्यकता है, लेकिन यह समझना होगा जितना भी संघ है वो क्यों है, अंतिम फल क्या होना चाहिए, असंग होना। गुरु का हम संग पकड़ते हैं, गुरु का साथ पकड़ते हैं, क्यों? निराधार होने के लिए, असंग होने के लिए। मोक्ष क्या है? असंग हो जाना। मोक्ष है निराधार हो जाना, निरवलंब हो जाना। लेकिन इसका पता नहीं है, इसलिए हमें अवलंबन की आवश्यकता होती है। वास्तविक स्थिति है निरवलंब, असंग। और हकीकत क्या है? हजारों के बीच में रहकर भी जीव अकेला है। एक भजन लोग गाते हैं, याद होगा, भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। आदमियों की भीड़ में रहकर भी आदमी अकेला होता है। अब भीड़ में रहकर अकेला कैसे होगा? यहां इतने लोगों की भीड़ है, यहां हम अकेले कैसे हो सकते हैं? भीड़ तो है, किंतु हम हर आदमी अकेला है। एक उदाहरण से समझ लें, यहां इतने लोग बैठे हैं, एक दूसरे का संग साथ है, सहारा है, लेकिन जरा कल्पना करो, अभी मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, बोलते बोलते मेरे शरीर के किसी अंग भाग में या मेरे पेट में भयंकर दर्द होने लग जाए, भयंकर, मैं छटपटाने लग जाऊं उस दर्द से,
बेहो जैसा हो जाऊं। आप लोग कहेंगे अरे अभी तो बोल रहे थे क्या हो गया, कोई कहेगा किसी डॉक्टर बुलाओ, कोई कहेगा ये मालिश करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो, सब लोग अपना अपना करेंगे। लेकिन आप लोग कहोगे भाई देखो हमारे गुरु जी हैं, थोड़ा थोड़ा दर्द बांट लेते हैं, ताकि दर्द जब बांट लेंगे ना तो गुरु जी का दर्द खत्म हो जाएगा, हमारे जैसे हो जाएंगे। कर पाओगे? कोई करेगा? तो अकेला हो गया नहीं अपने दर्द भोगने के लिए, चाहे परिवार में रहो चाहे कहीं भी रहो, कहीं भी रह करके जीव अकेला है। व्यवहार में है बहुत, भीतर तो अकेला है। मेरा सुख दुख मेरे साथ, आपका सुख दुख आपके साथ, कौन किसके साथ है उसको भी समझना है। बाहर में भीड़ है उस भीड़ को भी समझना है, और काम ऐसा करना है कि हमारे द्वारा दूसरे को तकलीफ ना मिले, इसलिए भीड़ को समझना है। लेकिन इसी भीड़ में रह करके अपने को अलग निकाल लेना होगा। वो अलग निकाल, भीड़ में रहते हुए अपने को अलग निकाल लेना, यही साधना का फल है। और इसी के लिए ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। अब तो निराधार करी अपने सकल आधार मिटा दिया गुरु ने, आत्मबोध करा दिया, बता दिया कि जीव निराधार है, अकेला है, तो सारे अवलंबनों की वास्तविकता बता करके मन को हाथ हटा दिया, और जैसा जीव निराधार है उस भाव में रहने की युक्ति बता दी, और कहा कि देख अकेले होने तुम घबराओ मत, तुम अकेले हो ही। उस अकेलेपन का बोध हो गया तो अब अकेले रहने में घबराहट नहीं है। अकेलेपन का बोध नहीं होता है इसलिए अकेलेपन में घबराहट होती है। जिसे समझ में बात आ गई कि जीव अकेला है, वो अकेले बैठ कर भी घबराएगा नहीं। और जिसे अकेलेपन का बोध नहीं है, जरा सा अकेला होता है तो घबराना शुरू हो जाता है। गुरुदेव जी लिखा है, ये पुरानी बात है, उत्तर प्रदेश में गुरुदेव जी एक बार एक कस्बे में निवास कर रहे थे। शाम का समय था, अन्य जो संत लोग कहीं अपने अपने काम में लगे थे, और जगह एक मकान था, अंधेरा था मकान में। उस मकान में गुरुदेव जी अकेले बैठे थे अपने आसन पर, ध्यान साधना में अकेले चुपचाप बैठे थे, कोई नहीं था मकान में। एक भगत आया, बहुत परिचित भगत रहा है, सेवा परायण, अंधकार, कोई दिखे तो जाने रहा था। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, भगत ने, कोई है हो? जोर से चुप। जब दो तीन बार पुकारा कि कोई है होगा, कहते गुरुदेव जी ने कहा हाँ मैं यहां बैठा हूं, आ जाओ। तो कहे अरे साहब अकेले बैठे अंधकार में आप घबराते नहीं थे? गुरुदेव ने कहा अभी तो नहीं घबरा रहा था, तुम्हारा आने से घबराहट शुरू हो गई। अकेला था, अपने आप में था मस्त, अब तुम आ गए तो तुम्हारे मन के लिए अनुसार बात करनी पड़ेगी मुझे, घबराहट तो शुरू हो गई ना, अकेले में कौन। तो जीव अकेला है, अकेलेपन का बोध न होने के कारण समय भीड़ में आनंद आना आता है, लेकिन भीड़ रहेगी नहीं, छट जाएगी। यदि भीड़ से हम मोह कर लें और कहा भाई आप लोग बहुत इतने लोग बैठे हुए हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे बैठे रहना, मैं बोलता रहूंगा, कह साहब आप बोलते रहो, हमें घर जाना है, काम धाम कहाँ तक सुनेंगे आपका, तब क्या कहूंगा मैं। तो भीड़ छटने वाली है, इस भीड़ का मोह नहीं करना है, कोई काम नहीं आएगा। अकेलेपन का बोध, जीव अकेला है वैसे अकेले रहना होगा, और गुरु ने उसी का ज्ञान करा दिया। जन्म मरण की चिंता छूटी, सब घट दुख नसाए दिया। अब तो जन्मने और मरने का जो दुख है वो खत्म, चिंता खत्म, सब घट दुख नसाए दिया। जीव
देह धारण कर करके तमाम योनियों में शरीर धारण करता रहा, भटक भटक वासना के वश, और जिस योनि में गया, जिस खाने में गया, दुख के अलावा कुछ मिला नहीं। दुख 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 कहा जाता है। जगिसभ्य ऋषि को अपने हजारों पिछले जन्मों को याद आ गए। जगिसभ्य एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान हुए हैं सांख्य परंपरा में। सांख्य दर्शन के जनेता हैं, प्रणेता महर्षि कपिल, जिनका नाम ऋग्वेद में भी आता है, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। भारतीय दर्शनों का पितामह कहा जाता है कपिल को। कपिल के पश्चात उस सांख दर्शन में जगिसभ्य, वार्षगर्ण्य और आसुरी, ये तीन बड़े विद्वान आते हैं। तुम्हें जगिसभ्य बहुत योग्य पुरुष, तो जगिसभ्य को अपने पिछले हजारों लाखों जन्मों की याद आ गई। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको अपने लाखों जन्मों की याद आ गई, इन लाखों जन्मों में आपको क्या मिला? तो जगिसभ्य कहते हैं, केवल दुख मिला, दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। जिस खाने में गया जी, दुख पीछे पड़ा था, खोजता था सुख, मिलता था दुख। लेकिन गुरुदेव ने निराधार स्वरूप का बोध दे दिया, वासना की परख करवा दी, इसलिए वासना का त्याग करके अपने स्वरूप में शांत कैसे रहना है इसकी युक्ति बता दी, इसलिए अब जन्म ने मरने की चिंता खत्म। इसलिए कहा गया है साधक को अपनी रहनी ऐसी बनाने चाहिए, भाव ऐसा रहना चाहिए कि अंतिम शरीरम, ये धम्मपदम में भी बात आती है, कई जगह बात आई है, अंतिम शरीरम, ये शरीर अंतिम शरीर हो, इसके पश्चात फिर शरीर धारण न करना पड़े, तो साधना पूरी होगी, जीवन पाना सार्थक हो गया। उसके लिए काम हमें ही करना पड़ेगा, गुरु केवल मार्ग बताएंगे, लेकिन मार्ग बताना बहुत बड़ी बात होती है, बिना मार्ग हम भटक जाएंगे। बंदों चरण सदा गुरु तुम्हारे, जीवन मुक्त कराए दिया। साधक कहता है कि गुरुदेव मैं सदा आपके चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि आपने जीवन व्यतीत करने की ऐसी युक्ति बता दी कि जीवन में रहते रहते मुक्ति कैसे मिल सकती है। जीते जी मुक्ति, जियत न तरे मुहे का तरी हो, जियते ही जो न तरे। यदि जीते जी नहीं तरे तो क्या होगा, जीवन मुक्त स्थिति क्या है? कहीं मन का फंसा ना होना, कुछ अपना ना मानना, सबसे निर्मोह, निष्काम, निर्लोभ, अनासक्त रह जाना, क्योंकि अपने जो स्वरूप पद है उसकी याद आ गई, उसका बोध हो गया, उसमें स्थिति हो गई, तो जीवन मुक्ति हो गई। निर्वासनिक, शरीर में रहते रहते शरीर का मोह मिट गया, तो जीवन मुक्ति मिल गई। करना कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है बाहर, और जीवन मुक्ति ही अनुभव की वस्तु होती है। विदेह मुक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। जो आज जीवन मुक्त है वो मरने बाद ही मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त होने का अर्थ क्या है? जीने और मरने की कामना छोड़ देना, सारी इच्छा को मिटा देना। एक सज्जन थे प्रयागराज में, एक इंटर कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाते थे, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान पर उनकी पुस्तक भी थी, योग एंड डेप्थ ऑफ साइकोलॉजी, एक आधो पुस्तक और भी लिखे थे वो।
तो गुरुदेव की पुस्तक उन्हें मिली कल्याण पथ। जब कल्याण पथ वो पुस्तक मिली तब से पता नहीं कितने बार पढ़े वो, और पूरी पुस्तक रंगी रहती थी अंडरलाइन से, जहां रहते थे हमेशा पुस्तक साथ में लिए रहते थे, अत्यंत प्रभावित थे। उस एक बार आश्रम में आए, गुरुदेव जी के सामने बैठे थे तो बात कर रहे थे, बात करते करते कहा साहब, कहा गुरु जी अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई, एक ही इच्छा बाकी है। गुरु जी कौन सी इच्छा बाकी है? कहा जीवन मुक्त होने की इच्छा बाकी है, बस सारी इच्छा पूरी हो गई, बस एक इच्छा जीवन मुक्त कैसे हूँ, बस एक जीवन मुक्त इच्छा होने की पूरी, जीवन मुक्त होने की इच्छा बाकी है। तो गुरुदेव जी ने कहा ये इच्छा छोड़ दो तभी जीवन मुक्त हो जाओगे। अरे ये बात तो मैं समझता ही नहीं था, जीवन मुक्त होने की भी इच्छा नहीं करना है, वो इच्छा जब तक है तब तक जीवन मुक्ति नहीं होगी, वो भी इच्छा छोड़ दो जीवन मुक्ति हो जाएगी। जीवन मुक्ति क्या है? इच्छाओं का त्याग, कोई इच्छा नहीं रहेगी, निरिच्छ निष्प्रिय स्प्रिया रहित मन, जीती जी मुक्ति का अनुभव कोई भी कर सकता है, कोई भी। जितनी स्प्रिया होगी मन में उतना भय होगा, उतनी चिंता होगी, उतनी शिकायत होगी, उतना दुख होगा, और कोई स्प्रिया नहीं है मन में, बस जीती जी मुक्ति। तो बंदों चरण सदा गुरु तुम्हारे जीवन मुक्ति कराए दिया, नहीं कुछ बाकी रहा करण को, आप में आप जगाए दिया। गुरुदेव अब आपने मुझे अपने आप में जागृत कर दिया, इसलिए अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रह गया। सारे करने की सार्थकता किसमें है? जब करना बाकी न रह जाए, ये लगे कि मानव जीवन पा करके जो करना चाहिए था कर लिया, जो पाना चाहिए था पा लिया, जो जानना चाहिए था जान लिया, न कुछ जानना बाकी रहे, न कुछ पाना बाकी रहे, न कुछ करना बाकी रहे। करना क्या था, जानना क्या था? जानना था आत्मा अनात्मा का भेद, बंधन मोक्ष का भेद, ये जानना था। और आत्मनात्मा का भेद यदि मालूम नहीं हुआ तो तमाम ज्ञान करने के बाद भी जीव भटकता रहेगा। आत्मा अनात्म बंधन मोक्ष का भेद ये जानने लायक है। करना क्या है? अनात्म के राग को छोड़ करके आत्म में अनुराग, यही करना है। राग का त्याग करना ही करना है। राग का त्याग हो गया, सब करना खत्म हो गया, सारे कर्तव्य पूरे हो गए। पाना क्या था? मोक्ष। राग का त्याग हुआ, शेष क्या रह गया? मोक्ष रह गया। अब फिर पाना क्या बाकी रह गया? संसार में जो कुछ भी पाएंगे सब छूट जाएंगे, लेकिन मोक्ष पा लिए तब वो छूटेंगे ही नहीं, वो तो हमारा अपना स्वरूप ही है। तो अब तो बाकी कछु निराकरण, कुछ करना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जो करना था वासनाओं का ध्वंसीकरण, वासनाओं का नाश, मोह का त्याग, वो कर दिया, इसलिए अब करना कुछ बाकी नहीं रह गया। आप में आप रहा दिया, बस अपने आप में जीव ऐसा रह गया। इसलिए शुरू में कहा गया गुरु ने हमें कल्याण का मार्ग बता दिया, गुरु का अनंत उपकार है हमारे जीवन में। गुरु न मिले हुए होते तो कहाँ कहाँ हम भटकते होते, किस किस भ्रम कल्पना अंधिश्वास में झगड़े होते, कैसे कैसे दुर्गुण दोष दुराचरण जीवन में होते, और कहाँ कहाँ दुख में पड़े बिलबिलाते होते, कोई ठिकाना नहीं था। संत गुरुजनों की कृपा है, उन्होंने अपनाया, बोध दिया, रास्ता बताया, अब चलना हमारा काम है। जितना हम चलेंगे उतना हमारे दुखों का नाश होगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्।
अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम मनुपम